नहीं आ रहे हैं, होमवर्क कीजिए और स्कूल में आके चेक करके ले जाइए। समझ में आया बच्चों क्या कह रहे हैं हम? ग्रुप में मैसेज भी डाल रहे हैं हम लोग चेकिंग के लिए, स्कूल को आना है। समझ में आया? पहले पहले क्लास में हम लोगों ने छोटी ई है ना, छोटी ई की, छोटी ई का अभ्यास के बारे में सीख चुके थे, यानी कि छोटी ई अक्षर से कौन से अक्षर शुरू होता है और उन अक्षर से शुरू होने वाले शब्द नहीं तो वो उन छोटी ई की मात्रा को इस्तेमाल करते हुए बनाए हुए शब्दों की मात्रा को, वो ई की मात्रा के जो भी हम लोगों ने शब्द और अक्षर जो भी लिखते हैं ना उसके बारे में पहले क्लास में हम पाठ पढ़ चुके थे। आज के क्लास में हमें क्या करना है? बड़ा ई यानी कि ये इस ए ई की, इसके बारे में आज के क्लास में हमें जानना है। ई का अभ्यास क्या है बच्चों? पाठ का नाम ई का अभ्यास। पाठ कौन सा है? ये पांचवा पाठ है। देखिए इधर पेज नंबर 22, पेज नंबर 22, पेज नंबर 22 पे जाइए। देखिए इधर ई का अभ्यास देख रहे हैं ना बच्चों? ई का अभ्यास ये देखिए इधर, ये बड़ा ई से शुरू होने वाले या नहीं तो ओ ई की मात्रा को इस्तेमाल करते हुए लिखे हुए थोड़े चित्र है, वो चित्र को अब हम पहचान कर पढ़ देते हैं। चलिए तैयार है बच्चों? देखिए ये क्या है चित्र में, क्या है बच्चों, क्या है चित्र में? ईख। क्या है? ईख। ईख को इंग्लिश में क्या कहते हैं? शुगर केन। क्या कहते हैं बच्चों? शुगर केन। ये देखिए ये चित्र में कौन दिखाई दे रहा है आपको? ईसाई। ईसाई क्रिश्चियन इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में क्रिश्चियन। ये देखिए चित्र में क्या है? ईट। क्या है बच्चे चित्र में? ईट। ईट को इंग्लिश में ब्रिक कहते हैं। ये ईट का इस्तेमाल हम किधर करते हैं बच्चों? घर बनाने के लिए ईट से ही घर बनाते हैं। समझ में आया बच्चों? ये देखिए चित्र में क्या है? ईद। ईद त्योहार का ये दिख रहा है ना आपको? देखिए ऐसे गले कैसे मिल रहे हैं ये लोग? ईद, इसको इंग्लिश में भी ईद ही कहते हैं। और देखिए नीचे क्या है? ई की मात्रा व्यंजन के बाद ऐसे इस तरह लगाई जाती है। ई की मात्रा व्यंजन के बाद इस तरह से लगाई जाती है, यानी कि स्टैंडिंग लाइन कैसे लगाई जाती है बच्चों? स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और इसे इस तरह से नीचे झुकाना है। समझ में आया? कैसे लगाई जाती है ई की मात्रा को? ऐसे लगाई जाती है। देखिए और जैसे एग्जांपल्स दे गए, देखिए इधर च व्यंजन प्लस ई की मात्रा ची चीता। कौन सा शब्द बना है उधर? ची से कौन सा शब्द आ गया है उधर? आगे का चित्र देखकर इधर पहचाना है चीता। ये देखिए त व्यंजन अक्षर और ई की मात्रा ती तीर। देखिए तीर को इंग्लिश में एरो कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों तीर को इंग्लिश में? एरो। ये देखिए ख ई की मात्रा इक्वल्स टू खी खीर, एन इंडियन स्वीट डिश। खीर तो आप सब लोग खा चुके हैं ना? ये क्या है? हमारे इंडियन का स्वीट डिश है। ज व्यंजन अक्षर ई की मात्रा जी अक्षर बनता है इधर। ये देखिए जीभ, टंग। टंग देखिए इधर चित्र में, टंग दिख रहा है ना आपका? टंग है ना, उसको क्या कहते हैं हिंदी में? टंग को जीभ कहते हैं। ये देखिए ड, ई की मात्रा डी गाड़ी।
देखिए कार क्या है, गाड़ी को इंग्लिश में कार कहते हैं। समझ में आ गया है ना बच्चों? चलिए अब आगे के पेज पे जाइए। इस पेज पे जाइए बच्चों, देखिए इधर भी थोड़े से शब्द दिए गए हैं। इसमें भी एक बड़ा ई की मात्रा का इस्तेमाल इधर किया गया है। देखिए चित्र में देखिए क्या है, क्या है? हाथी। हाथी को इंग्लिश में एलिफेंट कहते हैं। और देखिए इधर मछली, क्या है? मछली को इंग्लिश में फिश कहते हैं। माली, माली यानी कि गार्डनर, यानी कि गार्डन का देखभाल जो करता है ना, उसको क्या कहते हैं? माली कहते हैं। ये देखिए परी, फेरी। परी को इंग्लिश में फेरी कहते हैं। समझ में आया बच्चों? चलिए अब हमें क्या सीखना है? ईश्वर से बने वाक्य। क्या सीखना है बच्चों? ईश्वर से बने वाक्य। चाची, ये देखिए इधर, ये इधर जो भी वाक्य है ना, इसमें बड़ा ई के स्वर का इस्तेमाल इधर किया गया है। वो स्वर का इस्तेमाल करते हुए इधर क्या शब्दों को लिखा गया है। अब मैं आप लोगों को एक पढ़ के सुनाती हूँ। देखिए इधर, चाची खीर मीठी बनानी है। देखिए इधर ची खी मी थी और नी में बड़ा ई की मात्रा का इस्तेमाल इधर किया गया है। चाची यानी कि देखिए चित्र में कौन दिख रहा है इधर, ये चाची है ना, ये क्या बनाती है? मीठी मीठी खीर बनानी है। रानी की दादी कहानी सुनाती है। ये देखिए इधर चित्र में दादी दिखाई दे रही है ना आपको, दादी दिखाई दे रही है ना, ये दादी क्या क्या सुनाती है? कहानी सुनाती है। ये दादी है ना, ये कहानी सुनाती है। किसकी दादी है? ये रानी की दादी है। क्या सुनाती है वो? कहानी। नीरज झील से मछली ला। नीरज झील से मछली ला कौन बोलती है इसे? इधर है ना ये चाची, ये नीरज को क्या कहती है? झील से मछली लाने के लिए कहती है। और देखिए नीचे क्या है? रीता दही लाकर रख। ये देखिए चित्र में लड़की दिखाई दे रही है ना, इसका नाम क्या है? रीता। रीता को क्या लाकर रखना है? दही लाकर रखना है। देखिए इसके हाथ में कटोरी में दही है। और देखिए माली पेली शीशी लाया। ये देखिए ये कौन है? माली है। ये कौन सा शीशी लाया? पीली। कौन सा रंग का शीशा है वो? पीला रंग का शीशा लाया माली। कौन सा शीशा लाया है बच्चों? माली पीली शीशी लाया। देखिए इधर चित्र में दिख रहा है ना, इधर टेबल के ऊपर है। देखिए माली पीली शीशी लाया। समझ में आ गया है ना बच्चों? चलिए मैं इधर बोर्ड पे बड़ा ईसी अक्षरों को इस्तेमाल किया गया है, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ई स्वर से बने वाक्य। ई स्वर से बने वाक्य। देखिए इधर क्या है ये? चाची, चाची। ये देखिए इधर, ये बड़ा ई की मात्रा का इस्तेमाल इधर किया गया है। ये देखिए खीर मीठी, इधर दोनों तरफ बड़ा ई की मात्रा का इस्तेमाल इधर किया गया है। इधर भी देखिए चाची खीर मीठी बनानी है। रानी की दादी कहानी सुनाती है। देखिए इधर हर एक शब्द में बड़ा ई की मात्रा का इस्तेमाल इधर किया गया है। देखिए उसको मैं रेखा भी कर रही हूँ, इधर इधर उसका इस्तेमाल किया गया है। और देखिए इधर नीरज झील से मछली ला। देखिए इधर नी झी ली में बड़ा ई की मात्रा का इस्तेमाल इधर किया गया है। और देखिए रीता दही लाकर रख। ये देखिए री और ही में भी
जाना है। समझ में आया बच्चों?
व्हाट्सएप के ग्रुप में मत भेजिए, स्कूल को भी आके नोटबुक को दिखाइए। समझ में आया? ए माई आंसर है, आंसर को लिख के व्हाट्सएप के ग्रुप में सेंड करते हूँ, उसमें से देखे कॉपी कीजिए। समझ में आया बच्चों? आज के क्लास में हम क्या पढ़ चुके हैं? बड़ा ई का अभ्यास के बारे में पढ़ चुके हैं। आज का क्लास में यही खत्म करती हूँ, मिलती हूँ अगले क्लास में। तब तक बच्चों आप लोग अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई लिखाई भी जारी रखिए।